नमस्कार हाईकोर्ट से जमानत याचिका मंजूर होने के बाद पपला गुजेरी गर्लफ्रेंड जिया अलवर सेंट्रल जेल से बाहर आ गई थी और जेल से बाहर आते ही वह पिता को देखकर उसकी आंखों में आंसू झलक गए थे जिया के पिता चांद और वकील अंकित गर्ग बेटी को अलवर सेंट्रल जेल लेने पहुंचे थे और जिया रात को ही अपने पिता के साथ कोल्हापुर के लिए रवाना हो गई थी लेकिन अलवर से रवाना होने से पहले जिया ने मीडिया के सामने बड़ा खुलासा किया था जिया ने कहा है कि पपला ने ना तो उसकी गर्दन बचा को रखा था और ना ही वह तीन मंजिल कूदा था यह सब पुलिस की बनाई हुई कहानी है दरअसल पुलिस ने उन दोनों को रात करीब ग्यारह बजे मकान मकानी घेराबंदी कर पकड़ा था उस दौरान दोनों फ्लैट में थे इसके बाद पुलिस उसे और पपला को अलग अलग गाड़ियों में वहाँ से ले आई हम एयरपोर्ट पर मिले तो मैंने पपला से पुलिस की कार्रवाई के बारे में पूछा पपला ने कहा कि तो तुम टेंशन मत लो मैं सब कुछ संभाल लूँगा मैंने उसके पैर पर बांधी पट्टियों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि पुलिस ने हथोड़े से पैर तोड़ दिया जिया ने कहा कि पपला उसका सामान्य मित्र था हालांकि जिया ने पुलिस की कार्रवाई से एक दिन पहले ही माँ को उसके बारे में बताया था जिया ने कहा है कि पपला को उसे अपना नाम मान सिंह और परिश्चंद्र यादव दिल्ली छतरपुर का रहने वाला बताया था दिल्ली में उससे अपना रोड़ी बजने के बिजनेस बताया था मुझे यह पता नहीं था कि पपला इतना बड़ा गैंगस्टर है पुलिस ने पुणे के एयरपोर्ट पर उसे पहली बार बताया कि पपला गैंगस्टर है और उसका असली नाम विक्रम गुजर है ये बातें पता चलने पर तब वह मानसिक तनाव में आ गई हाईकोर्ट ने मंगलवार को जिया की जमानत अर्जी मंजूर की थी और जमानत के आदेश को लेकर वकील जयपुर से बैठ थाने और उसके बाद बुधवार शाम अलवर आए थे इसके बाद जिया जेल से बाहर आई थी तो इस तरह से जिया ने पुलिस की है बनी बनाई हुई कहानी पर पर्दाफाश किया है जिया ने कहा है कि पपला ने ना तो शिकरदन पर चाकू रखा था और ना ही वह तीन मंजिल से कूदा था पुलिस ने उसका हथौड़े से पैर तोड़ दिया है जिया ने बताया कि कोल्हापुर में वह जिम ट्रेनर काम करती थी उसी जिम में पपला गुजर आने लगा था वही तेरह दिसंबर 2020 को पहली मुलाकात हुई थी इसके बाद दोनों नज़दीकें बढ़ी पपला ने खुद का नाम मानसिंह बताया और कहा है कि वह बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया है और लॉकडाउन कारण यहाँ रुका है इसी दौरान जिया पपला के प्रेम जाल में फंसती चली गई जिया ने कहा है कि पपला के प्रति उसका कोई सहानुभूति नहीं है मेरे उससे शादी कोई इरादा नहीं है तो इस तरह से जिया ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है